गुड मॉर्निंग द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। स्वागत करती हूँ इस मंच पर आप सबका। इस मंच से जुड़े सभी विद्वान शिक्षकों को मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। मैं फिर से एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ, जो इस प्रकार है। शिक्षा समृद्धि और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक आभूषण है। तो आइए हम इस आभूषण का अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए उपयोग करते हैं और अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने मनुष्य में तांत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय के अंतर्गत ब्रेन अर्थात मस्तिष्क की संरचना और कार्य के बारे में पढ़ा था। आज हम मनुष्य में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय पर कुछ चर्चा करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक नियंत्रण और समन्वय के बारे में। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की क्रिया हार्मोन्स के द्वारा होती है। हार्मोन्स जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, इनमें नलिका नहीं होती है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और इनका स्राव सीधे हमारे रक्त में मुक्त होता है और रक्त के द्वारा यह सभी स्थानों तक जहां इनकी आवश्यकता होती है उन स्थानों तक यह पहुंचाया जाता है। इसका स्राव हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है और यही कम मात्रा हमारे विभिन्न कार्यों को नियंत्रित और समन्वयित करने के लिए पर्याप्त होती है। हार्मोन प्रेरक का कार्य करते हैं। ये हमारे विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न कराने के लिए हमारे शारीरिक अंगों को प्रेरित करते हैं। इनका प्रभाव धीरे धीरे होता है परंतु काफी समय तक होता है। इसीलिए तांत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय की तुलना में यह काफी लाभकारी और असरदायक होता है। मनुष्य में 6 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। पहला पिट्यूटरी, दूसरा थायराइड, तीसरा पैराथायराइड, चौथा एड्रिनल, पांचवा अग्न्याशय की आइलेट्स ऑफ लंगरहैंग्स और छठा जनन ग्रंथियां। तो सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, संचालित करने के मदद करता है। आइए सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होते हैं, 2 पिंडक होते हैं, अग्रपिंडक एंटेरियर लोब और पश्चपिंडक पोस्टेरियर लोब। अग्रपिंडक से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है। यह हड्डियों मांसपेशियों इत्यादि के वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके हमारे शरीर में अधिक मात्रा में स्राव से जाइगेटिज्म और कम मात्रा में स्राव से ड्वार्फिज्म उत्पन्न होता है। जब इसका स्राव हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होता है तब हमारे शरीर का आकार अपने औसत आकार से काफी अधिक बढ़ जाता है, इसको हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। और जब इसका स्राव हमारे शरीर में कम मात्रा में होता है तो हमारे शरीर का विकास कम होता है, जिसे हम ड्वार्फिज्म या बौनापन भी कहते हैं। उसी प्रकार पश्चपिंडक के द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है जो जल संतुलन तथा बच्चों के जन्म के समय फीमेल में मादा में सहायक होती हैं। अब दूसरा हार्मोन है वह थायराइड के द्वारा स्रावित होता है। थायराइड दूसरी ग्रंथि है जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। थायराइड हमारे श्वास नली अर्थात ट्रैकिया के दोनों ओर उपस्थित होता है। इसके 2 पिंड होते हैं और दोनों पिंड इस थमस के द्वारा
एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसी कारण अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में थायराइड ग्लैंड से अधिक थायरॉक्सिन का स्राव करने के लिए या निर्माण करने के लिए थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। इस स्थिति में थायराइड ग्लैंड फूल जाता है और हमारे गले के पास यहाँ एक सूजन की तरह दिखाई पड़ता है, जिसको हम घेघा रोग या ग्वाइटर कहते हैं। अब तीसरी ग्रंथि है पैराथायरॉयड, या पैराथायरॉयड थायरॉयड के पीछे उपस्थित होती है और इसकी संरचना या आकार मटर के दानों की तरह होती है। इससे जो हार्मोन का स्राव होता है हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वह पैराथायरॉयड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रित की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।